नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मैं आपका दोस्त प्रदीप और मेरे YouTube चैनल यानी पी के हिंदी ब्लॉग पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप भी मेरी तरह फिट ही होंगे। आज मैं एथर 450X की कुछ हिडन फ्यूचर्स के लेकर आया हूं, जो आपको देखने में अच्छा लगेगा। और कुछ इसमें ऐसे फ्यूचर्स हैं जो आपके पास एथर 450X है तो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और इंजॉय करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एथर 450X आप जब भी या नया परचेज किया होगा, जिन जिन लोगों ने, उनको शायद ये पता नहीं होगा, चाहे पता भी होगा, उन्हीं के लिए एक वीडियो बना रहा हूं मैं कि एथर 450X में कुछ हिडन फ्यूचर भी दिए गए हैं। जैसे हिडन फ्यूचर में आप चलते हुए गाड़ी को कैसे आप इसका री पावर यानी री जेनेटिक पावर जनरेट कर सकते हैं, यानी चलते हुए गाड़ी में आप कैसे इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ये भी एक फ्यूचर है इसके अंदर। दूसरा ये है कि जैसे आप मान लो आपका, जैसे आपके फ़ोन में है और आपने कुछ इसमें आपने कुछ वो कनेक्टिंग प्रो या प्लस का आपने प्लान ले रखा है और आपके फ़ोन में जितना भी आप डेली रोज़मर्रा का जो यूज करते हैं आप गाड़ी में का, वो फ़ोन में शो करता है, जैसे नेविगेशन हो गया। दूसरा आप कहाँ से कहाँ तक गए सारा लोकेट करता आपके फ़ोन में। आपने ओडोमीटर वगैरह जो आपके इसमें एथर 450X में है वो बिल्कुल सेम शो करता है आपके मोबाइल के अंदर। आज आपका जैसे इस वाले एथर में डिस्प्ले में नेविगेशन वगैरह काम करता है या नहीं करता है, उसका मैं आज एक हिडन फ्यूचर है कि आप इसको आप रीस्टार्ट, जैसे डिस्प्ले पे है रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चाहे फ़ोन के अंदर कभी कभी ओडोमीटर कभी कभी क्या होता है, आपका एथर 450X में कुछ और होता है और आपके मोबाइल में आपका कुछ और होता है, कुछ और शो कर रहा होता है। यानी कि आपका अपडेट फ़ोन से हुए काफ़ी दो चार दिन भी हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। और कभी कभी ये डिस्प्ले के अंदर ऐसा होता है कि नेविगेशन काम नहीं करता, वो हम जैसे नेविगेशन ऑन करते हैं तो घूमता रहता है। तो इन सब को ठीक करने के लिए इसको, जैसे आप फ़ोन रीस्टार्ट करते हो उस तरीके से भी इसमें एक फ्यूचर दिया गया हुआ, आप उसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं इसकी कैसे आप रीजनरेट पावर यूज कर सकते हैं उस पर आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, पहले उसकी देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 75% की बैटरी है, तो जैसे 75% की इसे आप रीजनरेट कैसे कर सकते हैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस रेस दिया गाड़ी को, गाड़ी चल रही है 30, 35, 36, 40 का अपने ऐसे देखो, बिल्कुल मैंने हाथ छोड़े हुए हैं, ऑटोमेटिक ब्रेक लग रहा है, देखो कितनी जल्दी 20 पे आ गया। फिर दोबारा करते हैं, करा स्पीड, ये देखो कितनी जल्दी स्पीड लग रहा है। मैंने ब्रेक बिल्कुल नहीं दबाया हुआ तब भी ये ब्रेक काम कर रहा है। इसको कहते हैं रीजेनेटिक करना, चलती हुई गाड़ी में कैसे मैंने पावर को रीजेनेटिक किया वो करना कहते हैं इसको। एक बार दोबारा कर लेते हैं राइड मोड पे करके, राइड पे किया 40 किया, मैंने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं दबाया हुआ है, देखिए कितनी जल्दी ये 20 पे आ गई स्पीड बिना ब्रेक दबाए। ये मैं इसको इस तरीके से रीजेनरेट कर रहा हूँ, पावर रीजेनरेटिक हो रही है। रीजेनरेटिक पावर लेने के लिए ना आपको पहले नंबर बताता हूँ, इसकी बैटरी जो परसेंटेज हो ये 84% से 100% पे वर्क नहीं करती है जब आपको रीजेनरेटिक पावर लेना होगा। अगर रीजेनरेटिक आपको बैटरी पावर बैकअप करना है यानी दोबारा रिचार्ज करना है या चार्ज करना है चलती हुई गाड़ी को, तो इसके लिए स्पीड की कोई वो नहीं है, 60-70 तक आप ले जा सकते हैं, उसके बाद आप रीजेनेटिक कर सकते हैं। रीजेनेटिक जब 60-70 की स्पीड पर जब आपकी पहुंच जाती है तो रीजेनेटिक करते हुए आप 20 स्पीड यानी 20 तक की आपकी ओडोमीटर तक ही रीजेनेटिक करता, उसके बाद वो लेगा ही नहीं ऑटोमेटिक, आप देखोगे कुछ साउंड नहीं करता। जब भी आप स्पीड देते हो, मैं बताता हूँ कैसे रीजेनेटिक करते हैं, ये देखिए
देखिए मोटर इसमें उल्टा रनिंग करता है। अब उल्टा रनिंग कैसे करता है यही बताने वाला हूँ मैं, किस तरीके से आपको रीजनरेटिव कर सकते हो। जैसे कि आपका 84 या 85% पे आपका रीजनरेटिव नहीं होगा, 85 से लेके 100% तक, 84% पे भी काम करता है कभी नहीं करता, मगर 83% जब बैटरी बचती है तो रीजनरेटिव ऑटोमेटिक इसमें जनरेट होने लगता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल आप देख रहे हैं ना, टोटल को आपको उल्टा घुमाना है हल्का सा। एथर के अंदर एक फ्यूचर है, ये हल्का सा यूँ घूमता है अपोजिट साइड में, देखा होगा आपने, ये अपोजिट साइड में घूमता है। ये जैसे देखो मैं दिखा रहा हूँ दोबारा से, जैसे मैंने स्पीड दी गाड़ी में, मैं इसे अपोजिट साइड में घुमाऊंगा। ये देखिए मैंने घुमाया अपोजिट साइड में, ये देखिए हल्की हल्की ब्रेक भी लग रही है और पावर मेरी रीजेनेटिक भी हो रही है, ये देखिए। और ये पावर 20 की स्पीड तक आप ले सकते हैं, 20 के बाद ऑटोमेटिक नहीं लगेगा, आप घुमाओगे दोबारा लगेगा ही नहीं है सर, लगेगा ही नहीं। फिर दोबारा करते हैं एक बार और, इसमें मैंने ब्रेक वगैरह कुछ नहीं दबाऊंगा, ये देखिए 30, 40, 45, अब ये देखिए टोटल मैंने उल्टा किया, उल्टा अपोजिट साइड में हल्का सा घुमाया है और हल्का ही घूमता है। ये देखिए ब्रेक ऑटोमेटिक लगा, तो 20 के बाद लेगा नहीं, अपने आप ऑटो बंद हो जाता है। इस तरीके से आप रीजेनेटिक भी कर सकते हैं। और जैसे आपका काफ़ी दूर लाल बत्ती है आपके, लग रहा 200 मीटर आपको ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी स्पीड आ रही है 40-50, तो आपको रीजेनेटिक कर सकते हैं। जैसे ऐसे किया और ऐसे कर लिया, इस तरीके से आप रीजेनेटिक आप ले सकते हैं। और रीजेनेटिक में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप रीजेनेटिक करोगे तो आपके ब्रेक काम नहीं करते उस समय में। जैसे रीजेनेटिक में लिया, रीजेनेटिक भी करो और ब्रेक भी दबाओ, ब्रेक आपके काम नहीं करेंगे जब तक आप छोड़ोगे नहीं, यानी रेस को छोड़ोगे नहीं जब तक ब्रेक लगेंगे नहीं सही से। पहला तो ये आ गया रीजेनेटिक, जिस तरीके से आप ले सकते हो। आपको टोटल को उल्टा घुमाना है, चलती हुई गाड़ी में आपकी स्पीड होनी चाहिए 20 से प्लस, तभी आपको रीजेनेटिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। और किसी भी मूड में कर सकते हो, इको मूड, राइड मूड में, किसी भी मूड में आप 20 से ऊपर स्पीड होनी चाहिए और बैटरी परसेंटेज होनी चाहिए 83। जब 83 से नीचे आना शुरू कर जाए तब आप रीजेनेटिक पावर ले सकते हो, किसी भी परसेंटेज पे आप ले सकते हो, बस 83 आपको ध्यान रखना है, 83 से स्टार्ट हो जाता है, मतलब नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीजेनेटिक की कुछ पावर की क्षमता होती है कि जो उतने पे ही आप ले सकते हो, यानी कि 95% आप रीजेनेटिक को नहीं लेगा, ऑटोमेटिक लेगा ही नहीं, आप उल्टा टोटल दोगे कुछ भी नहीं, उल्टा लगेगा फ्री चल रही है गाड़ी मेरी। और जहाँ 83% आ जाएगा तो आप स्पीड करते के साथ ही उल्टा टोटल घुमाओगे तो मोटर इसकी उल्टी घूमने लगती है, मोटर इसमें उल्टा घूमने लगता है। आप खुद चलाओगे तो पता चल जाएगा। जैसे मैंने फिर दोबारा स्पीड दिया, देखो ब्रेक बिल्कुल नहीं दबाऊंगा, ये देखो उल्टा टोटल दिया और उल्टा घूमने मोटर की साउंड भी आपको आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, देखो। और 20 स्पीड तक ही लेता, उसके बाद लेगा ही नहीं, फ्री हो जाएगा बिल्कुल, लेगा ही नहीं। ये तो पहला एक हिडन फ्यूचर ये रहा। दूसरा मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि आपके फ़ोन में नेविगेशन वगैरह वर्क नहीं करता, इसमें एथर 450X में नहीं करता, आपका सही से ऑडोमीटर आपके फ़ोन में नहीं बताता, या जिस तरीके से आपका वो गाड़ी में नेविगेशन वगैरह सही से नहीं बताता कि गाड़ी मेरी कहाँ खड़ी है, और 4 दिन से वही दिखा रहा है, यानी आपके ऐप से और ये एथर 450X जो गाड़ी है उससे वो सही अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी करने का एक तरीका है कि इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ एक तरीके से कैसे ले सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, गाड़ी ऑन है मेरी, ये दोनों गाड़ी ऑन है और कुछ भी किल स्विच वगैरह ऑफ रखना है, मतलब ऑन नहीं रखना, ऑफ ही रहना चाहिए। दोनों ब्रेक दबाने हैं आपको, दोनों ब्रेक और ये ऑन का बटन, ये दबा के थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा मेरी गाड़ी। अब देखिए रिस्टार्ट हो गया, जैसे फ़ोन होता है, इस तरीके से करेंगे आप तो आपके एथर 450 में से ये सब सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे मतलब ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आप नेविगेशन काम नहीं करता, नेविगेशन बार बार गोल गोल घूमता रहता है, इस तरीके से आप इसकी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। ये देखिए जिस तरीके से फ़ोन रिस्टार्ट होता है उसी तरीके से ये
ऑन हो रहा है। देखिए इस फीचर को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एथर 50X को ऑन करना है और किल स्विच को ऑफ ही रखना है, और ब्रेक, दोनों ब्रेक और ऑन वाला जो बटन है ना, तीनों को एक साथ प्रेस करना है, तीनों को, तभी ये हिडन फीचर आपका काम कर सकता है। एक हिडन फीचर और है, जैसे हम इसका बैक करते हैं तो आप उसी बैक में आगे भी कर सकते हैं, मतलब कि गाड़ी को जैसे हम पार्किंग वगैरह में पार्क करते हैं तो हम पीछे जैसे इस तरीके से करते हैं पार्क स्टिक, तो हम पीछे लेते हैं, पीछे कर रहे हैं, तो आप इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं बिना डिस्प्ले को टच करे हुए। सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको कोई सा भी ब्रेक दबाना है आगे या पिछला, जैसे मैं पिछला दबाता हूँ, पिछला दबा के आपको ऑन का स्विच ऑन करना है। ये देखिए फॉरवर्ड हो गया, आगे की तरफ जाएगा। अभी ये देखिए आप जैसे भी बैग ले रहा हूँ, बैग जा रही है इस तरीके से। हाँ भाई बैटरी वाली है ये, 200 किलोमीटर चल जाती है। हाँ ये देखिए, फिर ब्रेक दबाना है आपको, फिर जो ऑन ऑफ का स्विच है उसको दबाना है, ये फॉरवर्ड हो गई, फिर आप इसमें आगे कर सकते हैं। इसमें आपको 3 से 4 स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी, आप सोचो कि पूरा भगा लूँ, नहीं होगा। फिर आप जैसे पीछे करना हो, फिर आपको इसी को ब्रेक दबा के ये करना है, फिर हो जाएगी फॉरवर्ड, पीछे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। एक हिडन फीचर ये भी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए नए मैं वीडियो लाता रहूं और इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन की घंटी को ऑल प्रेस करें। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।